हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको नमकीन भुजिया घर पे बनाना सिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल लेना है। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमने डाले हैं काजू, काजू के साथ ही हमने बादाम डाल देने हैं। अब ये हल्के से भून चुके हैं, अब हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश को भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें कटा हुआ नारियल डाल देंगे, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। इसको हमने निकाल लेना है। अब थोड़े से मखाने डाल देंगे। अब हमने इसमें पोहा डाल देना है। अच्छी तरह से इसको भून लेना है। तेल में फ्राई करके ये पूरा तेल सोख लेता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ही तेल डाल के भून रहे हैं। इससे अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएगा। अब पोहा भुन चुका है, अब इसको भी हमने बाउल में निकाल लेना है। अब खाली पैन में हमने थोड़ा सा रिफाइंड तेल और डाल देना है। हमने इसमें अभी मसाले भूनने हैं। अब तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसमें हमने हल्दी डाल देनी है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच काला नमक। अब इसमें हमने फीकी जो खीर होती है वो डाल देनी है। अच्छी तरह से सॉटे कर देंगे। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। ये हो चुका है। अब इसमें हमने जो पोहा और हमने जो ड्राई फ्रूट सारे हमने भून लिए थे, उनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे।
5 मिनट में ये नमकीन बनके तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हो। तो हमने 3-4 चीज़ों से बहुत अच्छा नमकीन ये घर पे ही रेडी कर लिया है। आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा नमकीन घर पे रेडी हो चुका है। तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।